दोस्तों ये देखिए आप किस तरह से जो स्वदेशी जागरण मंच का एक चौथा जो स्वदेशी हिसार गौरव मेला है वो यहाँ जो प्रांगण में लगा है, कितने सुंदर तरीके से एक भव्य आयोजन जो स्वदेशी जागरण मंच की हिसार जिला हिसार की टीम के द्वारा किया गया है, कितनी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में स्वदेशी का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये टीम करते हुए नज़र आ रही है। आइए मेले में कुछ विशेष मेला आयोजक हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आपको मिलाना चाहूँगा स्वदेशी जागरण मंच के उत्तरी क्षेत्र के जो संयोजक हैं विजय जी हमारे साथ में हैं, जो हाल ही में HSSC में मेंबर भी हैं। विजय जी आपका हिसार में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। विजय जी पिछले 4 वर्षों से आप लगातार यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच का जो हिसार गौरव मेला है उसमें आप देखे जाते हैं, तो आखिर क्या मोटिवेशन है स्वदेशी का और क्या समाज के अंदर एक ऐसी दिशा तय करना चाहते हैं, किस तरह से आप स्वदेशी का एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं? कुल मिलाकर हम जो देखते हैं कि समाज के अंदर जो नौकरियाँ हैं वो केवल 6.5-7% सरकारी नौकरियाँ हैं, बाकी 94% जो नौकरियाँ हैं वो अपने स्वयं के जो उद्योग हैं, स्वयं के जो हमारे स्टार्टअप है उनसे आने वाले हैं, उनको प्रमोशन के लिए स्वदेशी जागरण मंच का मेला लगता है, जिससे बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिले, देख कर जाएँ और अपने छोटे छोटे उद्योग खड़े करें। आज तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से जा सकते हैं और अपना अच्छा प्रोडक्ट दुनिया के अंदर बेच सकते हैं, तो बहुत सारे युवा आते हैं और मेले के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा लेकर जाते हैं। तो विजय जी क्या एक मोदी जी का जो अभियान है मेक इन इंडिया, उस मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्या कहीं स्वदेशी बाजार जो हमारा भारत का जो बाजार है वो क्या कहीं आपको ये दिख रहा है कि वो इस चाइनीज जो बाजार है उसके साथ में कहीं टिक पाएगा? बिल्कुल, हम तो इससे मेड इन इंडिया की वजह से भी आगे बढ़कर मेड बाय इंडिया की बात करते हैं। जब लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगी तो ही रोजगार बढ़ेगा, तो संपूर्ण समाज को रोजगार युक्त करना है तो स्वदेशी को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी, अमेरिका के अंदर भी जब भी बात होती है वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट के विषय में बातचीत होती है, तो हम अपने बाजार के अंदर अपने प्रोडक्टों की क्यों ना प्रोत्साहन दें, क्यों ना बढ़ाएं। तो आपने देखा कि विजय जी ने किस तरह से जो मेक इन इंडिया की जो मोदी जी की जो पहल थी उस पर भी विजय जी ने अपने विचार रखे हैं और लगातार उनका यही है कि रोजगार जो स्वदेशी का जो रोजगार है वो भी इसी के तहत ही बढ़ेगा। अब हमारे मेले के जो आयोजक हैं अनिल जी जो हैं वो भी देखिए किस तरह से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अनिल जी जो आयोजक हैं अनिल जी से जानना चाहूँगा कि पिछले 4 मेले आप हिसार के अंदर इतने बेहतरीन मेले लगा रहे हैं, इतनी भारी भीड़ और इतना सुंदर मेला आपने लगाया, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे हिसार की जनता को? मेरा तो संदेश ये है कि स्वदेशी मेले का मुख्य आयोजन का मतलब ये है कि जो लोग बेरोजगार है वो अपना स्वरोजगार स्वयं कर गए। यहाँ जो स्टॉलें लगाई गई है वो इसी तरह की लगाई गई है कि लोग अपना उत्पादन स्वयं कर दे, सब बनाने की फैक्ट्री है, आटा को है वो किस तरह हम पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं, दालें है, चने है, दाल है, किस तरह हम पैक कर सकते हैं, अचार का अचार है, किस तरह हम अचार घरों में बना करके कैसे माल बेच सकते हैं। छोटे छोटे लोगों से जब तक घरों में गाँव में विकसित नहीं होंगे तब तक लोग बेरोजगार की लाइन में लंबी होती जाएगी और वो सरकार को दुखी करेंगे। हमारा ये है कि लोग अपना स्वरोजगार शुरू करें ताकि अपना खुद ना खुद मेहनत का फल उसको मिले, अपनी इनकम का साधन बनाए, अपना मालिक खुद बने, ना कि हम दूसरे के सालों में काम करें। इस दौरान में समृद्ध जब भी होगा जब लोग अपने अपने छोटा छोटा लोगों उद्योग लगा के माल यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर बाहर बेचेंगे, तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा, समृद्ध होगा। मैं लोगों से निवेदन ये करूँगा मेले के अंदर आए, दुनिया जान की ट्रेनिंग हम दुआ रहे हैं, यहाँ क्या नाम है बेकरी की ट्रेनिंग हम यहाँ दुआ रहे हैं, क्या नाम अचार बर्बाद की ट्रेनिंग हम यहाँ दुआ रहे हैं, दूसरे बड़े प्रोडक्टों की ट्रेनिंग हम दुआ रहे हैं, और इसके अलावा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का है वो भी अपनी प्रिंटिंग किस प्रकार प्रिंटिंग हो सकती है, टी शर्ट पर किस प्रकार से कब कब कैसे प्रिंट हो सकता है उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। इस तरह के बैंक की हासिलें लगी हुई है, अब लोन देने के लिए बैंक तैयार है, जो फॉर्मेलिटी है बैंक की पूरी करके आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारी दे रहे हैं। इस तरह के कारण हम लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं मेले के कारण। ये देखिए किस तरह से अनिल जी ने बताया कि स्वरोजगार का जो है उसी के लिए एक प्रेरणा है और सारे जो लोग हैं वो अभी कल का मेला, कल 29 तारीख को जो है मेला का समापन रहेगा, भारी से भारी संख्या में मेले में पहुंचे, आप अनिल जी का हार्दिक आभार। अभी ईश्वर नाटा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ईश्वर नाटा जी आप क्या देख पा रहे हैं मेले में और किस तरह से लोगों को जागृति मिलेगी स्वदेशी के बारे में? पहले तो मैं आपका बड़ा ही अभिनंदन करता हूँ, ऐसे अभी मेले के अंदर ये 4 साल से मेला लगते आ रहा है, 4 साल के अंदर हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है यहाँ और लोगों में बड़ा उत्साह है,
लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं और यहाँ जो स्वदेशी स्टालें लगी हुई हैं, इससे लोगों को पता लग रहा है भी हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं और लोग अपना भी काम शुरू करने के लिए यहाँ से बड़ी सोच लेके जा रहे हैं, तो बड़ा ही उत्साह है लोगों में इसके बारे में। बहुत बहुत हार्दिक आभार। अभी हमारे साथ में कुछ बच्चे जुड़े हैं स्कूल के। बेटा क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशु, क्या देखने के लिए आए हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहे हैं वो देखने के लिए आए हैं। तो क्या स्वदेशी से कुछ प्रेरणा मिलेगी आपको? यस सर, ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे मिट्टी से आकृतियाँ बना रहे हैं और पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो इससे स्वदेशी ही शो हो रहा है कि हम कैसे अपने देश को और निखार सकते हैं और देश में कितना कुछ स्वदेशी ला सकते हैं। ये देखिए कुछ और छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं और इतने सुंदर सुंदर आकृतियों के साथ में। आप क्या बने हुए हैं? मोदी। ये मोदी जी बने हुए हैं, ये देखिए मेक इन इंडिया के एक मोदी जी मेरे साथ में है जो इस देश को बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं और लगातार देश को उन्नति की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी के लिए? ये मेला बहुत ही सालों से लगता आ रहा है, इसमें हर एक प्रोग्राम होते रहते हैं आप क्या बने हुए हैं? ये सारे बच्चे हैं जो मोदी जी के जो वो था उससे प्रेरित हुए हैं। अभी हमारे साथ में कुछ बच्चियां जो पार्टिसिपेट करके आई हैं वो जुड़ी हैं। कौन से स्कूल से हैं बेटा आप? श्रीदेव हाई स्कूल। खड़े हो यहीं। श्रीदेव, आप इस स्वदेशी मेले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सर हमारा एनुअल फंक्शन के लिए बुलाया, अभी वो स्टार्ट नहीं हुए। PMFO न्यूज के लिए आप सभी लोग लगातार देखते रहिए और सभी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें, समाज हित की जो खबरें हैं वो लगातार आपको प्रचार और प्रसार के तौर पर देखी जा सके। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।